कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान ने कई विदेशी पर्यटकों की जान आफत दिला दी है। कई सारे विदेशी पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। दो विदेशी पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया। तंगमर्ग के एसडीएम ने आज तक को ये जानकारी दी है कि कई सारे विदेशी पर्यटक बर्फीले तूफान में फंस गए हैं और उन्हें तलाश करने का काम लगातार चल रहा है। चार मिल गए थे, चार का पता चला था, जिनमें से दो को बचा लिया गया, लेकिन उनमें से भी दो लापता हो गए। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि इस बर्फीले तूफान में कई सारे पर्यटक फंस गए हैं और उनका अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा कि वो कहां पर फंसे हैं। सेना का ये हेलीकॉप्टर जो आप पीले रंग का ऊपर उड़ते हुए देख रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर के द्वारा दो फंसे हुए पर्यटकों को बचाया गया है। अचानक से गुलमर्ग में ये बर्फीला तूफान आया। वैसे तो कश्मीर में खूब बर्फ इन दिनों पड़ रही है, लेकिन गुलमर्ग पर्यटकों का विशेष पसंदीदा पर्यटक स्थल है। वहां पर भीड़ काफी ज्यादा थी, देश के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी यहां पर आए हुए थे और अचानक से ये तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि कुछ ही पलों में पूरे गुलमर्ग को बर्फ ने अपनी आगोश में समेट लिया और ये रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फ के बीच में फंसे हुए इन दो विदेशी पर्यटकों को इस हेलीकॉप्टर ने बचाया है। एकदम नीचे ये हेलीकॉप्टर पहुंच गया और ये तस्वीरें काफी राहत देने वाली हैं कि इन बर्फ के बीच में फंसे हुए इन पर्यटकों को, विदेशी पर्यटक हैं ये दोनों, हालांकि चार थे, चार में से दो को बचा लिया गया है। दो के बारे में भी जानकारी नहीं है, कहा गया कि दो लापता हैं। जो दो पर्यटक आपको वहां दिख रहे हैं दूर, इन्हें बचा लिया गया। तो सेना अपना काम कर रही है, वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर ने इन दोनों विदेशी पर्यटकों को बचाया है। कई सारे पर्यटक फंसे हुए हैं।